ये प्रॉब्लम तो बहुत आती है। मेरा पीएफ फंस चुका है, मेरी कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है। कंपनी ने गलत ही करा है, फिर भी हेल्प नहीं कर रही है। कंपनी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर सील साइन नहीं कर रही, कंपनी क्लैरिफिकेशन लेटर नहीं बना के दे रही, कंपनी डेथ क्लेम हो, मंथली पेंशन हो, ईडीएलआई के रिगार्डिंग कंसर्न हो और काफी इश्यूज हो, कुछ भी नहीं हेल्प कर रही है, ना कॉल का जवाब उठा रही और कंपनी गलत बता रही, बोलती है कि वापस से रिज्वाइन कर लो। तो भाई सब चीज़ों का समाधान एक ही है, वो क्या है थोड़ा सा आप वीडियो देख लो तो आप समझ जाओगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम है, पीओ की कंपनी हेल्प नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, तो कंसल्टेशन ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, बहुत कम फीस से पे करेंगे जब हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका पीएफ का प्रॉब्लम ओके और उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। क्या आप भी पीएफ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? क्या आप भी पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर हैं। हम 4 साल से पीएफ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पीएफ रिकॉर्डेड वीडियोस एंड पीएफ मटेरियल, सेकंड पीएफ रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव सेशन पीएफ मटेरियल और लाइफ टाइम सपोर्ट। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर 9702392971। इम्पोर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी हेल्प नहीं करी ना, डोंट वरी। आपको कुछ लोग बोलेंगे एपीएफ आईजीएमएस में जाइए, ओके वहां पर जाके एक आप कंप्लेंट रेज कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है ऑफिसर आपके लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, पीएफ ऑफिस वाले जो है आपकी कंपनी से। तो मैं एक बात बताऊँ, इस पोर्टल से लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ कंप्लेन है अगेंस्ट एम्प्लॉयर तो वो सही से नहीं देखी जाती है, जितना देखना चाहिए वो नहीं देखते। मुझे काफ़ी बार इसमें रिस्पॉन्स आता है कि कॉन्टैक्ट टू एम्प्लॉयर, बताइए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ एम्प्लॉयर की और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है कॉन्टैक्ट टू एम्प्लॉयर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लेन करने का तरीका पूरा प्रोसेस अलग है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन भाई ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे पीएफ ऑफिस जाओ, तो भाई मैं आपको बताऊँगा आपको जाना नहीं पड़ेगा पीएफ ऑफिस। अब बोलेंगे भाई ये क्या बताने वाला है, क्योंकि कोई गलत तरीका तो नहीं है? इलीगल भाई ऐसा कुछ नहीं, हम लीगली तरीके से बताते हैं, सब प्रॉपर तरीके से और लोगों का काम हुआ भी है। अगर आपको जानना है कि वो क्या प्रोसेस है, ओके वो हम बताएंगे ना, हम इसमें आपको बताएंगे आरटीआई रेज कीजिए, ना ईपीएफआई रेज कीजिए, ना ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं। सही तरीका जेन्यून और ऐसा बताएंगे कि आपकी कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगी, इतना हम आपको कह सकते हैं और हमने बहुत से लोगों का सॉर्ट आउट करवाया है। ओके, तो जानना है तो वो प्रोसेस थोड़ी सी फीस पे कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जरूर जरूर। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।